A very good morning, students. I am your SHA teacher. I am going to teach you chapter 2, Mountains and Plateaus in India. Let's get started. India is the home to the Himalayas, one of the largest mountain ranges in the world. The people living in the Himalayan region practice different religion. This is the Buddha Park, a popular tourist attraction in Sikkim. There are famous plateaus in India too. This is the Deccan Plateau found in Maharashtra. Lok people are celebrating Ganesh Chaturthi in Maharashtra. Let's learn about India's landform and its people. We shall learn physical division. The Northern Mountain in India and the Peninsular Plateau in India. So Northern Mountains mein kya aata hai? The Greater Himalayas, the Middle Himalayas and the Outer Himalayas. और पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया में क्या आता है? द सेंट्रल हाइलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रिवर्स ऑर्गेनेटेड इन द ग्रेटर हिमालयस. पाइन एंड ड्योडर ग्रो इन द मिडिल हिमालयस. फ्रूट एंड टेरेस फार्मिंग इज डन इन द आउटर हिमालयस. द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू लाई इन द सेंट्रल हाईलैंड. Both these regions are rich in minerals. Landform of India. Our country, India, has various landform that make it unique and interesting. हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत सारे लैंडफॉर्म हैं जो हमारी कंट्री को और भी यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाती हैं. लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर 6 डिवीज़न. जो लैंडफॉर्म है वो 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं. दीज आर द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड. कौन कौन से हैं? द नॉर्थन माउंटेन्स, द नॉर्थन प्लेन्स, द थार डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स. नाउ द नॉर्थन माउंटेन्स. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में. इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लाई द माइटी हिमालयस, अ लॉन्ग रो ऑफ माउंटेन्स दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. अलोंग इट्स वे इट क्रॉसेस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. आफ्टर अरुणाचल प्रदेश इट बैंड साउथ वर्ड्स एंड स्ट्रेचेस टिल द स्टेट ऑफ मिजोरम. ये देखें, यहाँ पर 3 हिमालयस दिए गए हैं, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, आउटर हिमालयस. तो ग्रेटर हिमालयस को क्या कहते हैं? हिमाद्री, और वो हाईएस्ट हिमालय है. और मिडिल हिमालयस को क्या कहते हैं? हिमाचल, और वो मिडिल हिमालय है. आउटर हिमालय को क्या कहते हैं? शिवालिक, और वो क्या है? लोएस्ट हिमालय. The Himalayas are divided into 3 rows of mountains that run alongside each other. At the top, close to the China border, are the Greater Himalayas. और इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री. Next to the Greater Himalayas are the Middle Himalayas, Himachal. And then lie the Outer Himalayas, Shivalik. The Greater Himalayas, Himadri. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? The Greater Himalayas, Himadri. See the important peak of the greater Himalayas according to the height. देख रहे हैं आप लोग? Mount Everest. सबसे ये highest हिमालय है, Mount Everest. The greater Himalayan range is the highest of the 3 rows of the Himalayas. Mount Everest, the highest mountain peak in the world, is located in the greater Himalayas. Nanga Parbat, अन्नपूर्णा एंड कंचनजंगा आर द अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस. द ग्रेटर हिमालयन रेंज इज परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो. इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड द डिफिकल्ट टू लिव हेयर. इट कंप्राइज ऑफ थिक शीट्स ऑफ आइस एंड स्नो which move slowly over the land called glaciers. Often the lower portion of these glaciers melt in the heat leading
टू द फॉर्मेशन ऑफ रिवर. मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज द गंगा, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेटेड इन दिस ग्लेशियर्स. द मिडल हिमालयस हिमाचल, द मिडल हिमालयस लाइज बिलो द ग्रेटर हिमालयस. दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द ग्रेटर हिमालयस एंड आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन ऑफ पाइन एंड ड्यूडर. टी प्लांटेशन स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल एंड ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स एंड पीचेस आर कॉमन हेयर. मोस्ट पीपल हेयर लिव इन द ब्यूटिफुल हिल टाउन्स डेट ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट ड्यूरिंग समर मंथ्स. शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन सिचुएटेड इन द मिडिल हिमालयन रेंज. ओके, व्यू ऑफ द नैनीताल लेक सिचुएटेड इन उत्तराखंड. नैनीताल लेक है. द आउटर हिमालय शिवालिक. द आउटर हिमालयन रेंज इज द लोएस्ट ऑफ द थ्री रोज ऑफ द हिमालयस. The slopes of these mountains are covered with thick forest, where a variety of wild animals are found. Garo Janita Khasi and Mizo Hills are part of the outer Himalayan range. Many people live in small villages on these mountain slopes. Several types of crops such as rice and wheat and fruits such as cherries, plums and apricots are grown here in the terrace farm and orchard respectively. And what is terrace farm? Terrace farm kya hota hai? Farms built on the steps of the side of the mountain or hills. Life in the Himalayan region. The following tables highlight the life of people living in some of the states that lies in the Himalayan region. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुछ जगह के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर लोग क्या पहनते हैं, क्या ग्रो करते हैं, क्या बनाते हैं और कौन से क्या सेलिब्रेट करते हैं. जम्मू एंड कश्मीर में लोग क्या पहनते हैं? फिरन, लूज गाउन एंड सलवार, लूज पजामा. और वो लोग क्या ग्रो करते हैं? सैफ्रॉन, राजमा, फ्रूट्स और मेज़. और वो लोग क्या बनाते हैं? पेपर मैक शॉल्स, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट और वुड, ब्रास एंड सिल्वर. और वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद और शिवरात्रि. हिमाचल प्रदेश में लोग क्या पहनते हैं? वूलन कोट्स, पजामास और हेड स्कार्फ्स, टोपी. और वो लोग क्या ग्रो करते हैं? राइस, मेज, बैली, एप्पल्स, पटेटोज. और वो लोग बनाते क्या हैं? वूलन कारपेट्स, शॉल्स, आइटम प्रोसेस्ड फ्रॉम फ्रूट्स सच एज जूस, स्क्वैश एंड जैम. और वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? दशहरा एंड दिवाली. सिक्किम, सिक्किम में लोग क्या पहनते हैं? बोकू, एक लॉन्ग स्कर्ट होता है, कलरफुल बीडेड ज्वेलरी, कलरफुल ज्वेलरी पहनते हैं मोतियों की. और वो लोग क्या ग्रो करते हैं? टी, मेज, वीट, कैडम, ऑरेंजेस, एप्पल्स, टी एंड सो ऑन. और वो लोग क्या बनाते हैं? तंगा, ये बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं. ओके, कारपेट्स आइटम्स विद वुड कार्विंग. ओके, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं वो लोग. दशहरा और बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं सिक्किम के लोग. इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स. द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस टू अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. They do not allow the cold winds from Central Asia to enter India. The forests of the Himalayas give us wood, medicines, resin and other useful things. Terrace farming in the outer Himalayas. ये देख रहे हैं, terrace farming है. The Himalayas are also known as the home of God. Many pilgrimage टाउन सच एज हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुट साहिब एंड अदर आर लोकेटेड हेयर. द पेनिनसुलर प्लेट्यू. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स. बोथ माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आर हाई लाइन्स बट अ प्लेट्यू
इज अ टाइप ऑफ प्लेट्यू इज अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म डेट लुक्स लाइक अ ह्यूज फ्लैट टेबल हायर देन द सराउंडिंग एरियाज ऑफन विद वन ऑफ मोर साइड्स विद स्टिप स्लोप्स. इफ यू लुक एट द मैप यू विल सी डेट द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड. हम उसको कहते हैं पैनिनसुलर, थ्री साइड. सच अ लैंड फॉर्म इज कॉल्ड अ पैनिनसुलर. द प्लेट्यू रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया टू द साउथर्न टिप. इट इज द बॉर्डर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नैरो टुवर्ड्स द साउथ. इट इज डिवाइडेड इंटू द लार्ज पार्ट्स ऑफ द रिवर नर्मदा, द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ. ओके, द सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्यूज, द मालवा प्लेट्यूज एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यूज. द फाइन ब्लैक सॉइल ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन और ऑयल सेड. द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल सच एज कोल, आयरन, मीका. ओके, और वॉट इज मिनरल? अ नेचुरल सब्सटेंस इन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल कोल, सॉल्ट, गोल्ड और डायमंड्स. द डेक्कन प्लेट्यू, द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स. अर्लियर मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया केम फ्रॉम द कोलर गोल्ड माइन्स इन कर्नाटका इन द डेक्कन प्लेट्यू. द अदर स्टेट डैट आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. जॉक फॉल्स, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इज लोकेटेड इन कर्नाटका. लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पेनिनसुलर की लाइफ के बारे में. द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट्स अ फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द सम ऑफ द स्टेट डैट आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू रीजन. ओके, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र की मेन सिटी क्या है? मुंबई, पुणे, नागपुर. और वो लोग क्या ग्रो करते हैं? कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, मैंगोज, ऑरेंजेस. और वो लोग क्या बनाते हैं? फिल्म, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स. और वो लोग कौन सा क्या सेलिब्रेट करते हैं? गणेश चतुर्थी. कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो लोग? गणेश चतुर्थी. आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की मेन सिटीज़ कौन सी है? हैदराबाद एंड विशाखापट्टनम. वो लोग क्या ग्रो करते हैं? राइस, शुगर केन, टोबैको और ग्राउंडनट. और वो लोग क्या बनाते हैं? बिदरी वर्क, कंप्यूटर्स और ऑटोमोबाइल्स. और वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? दशहरा एंड ईद. झारखंड की मेन सिटीज़ कौन सी है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो. और वो क्या ग्रो करते हैं? राइस, मेज, पल्सेस. और क्या बनाते हैं वो लोग? स्टील माइनिंग पावर. ओके, स्टील माइनिंग एंड पावर. और वो लोग कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? होली एंड दिवाली. इम्पॉर्टेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑफ द इमेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल. इट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज इन रीजन. पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू फाउंड अमोंग द हाइल्स ऑफ शायाद्री माउंटेन रेंजेस. डैम बिल्ड ऑन द रिवर ऑफ दिस रीजन प्रोवाइड वाटर फ्रॉम क्रॉप एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द पावर ऑफ वाटर. सम इम्पॉर्टेंट क्रॉप सच एज कॉटन एंड ऑयल सेड फ्रॉम वेल इन द प्लेट्यू रीजन. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ डैम? अ वॉल बिल्ड अक्रॉस अ रिवर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग, especially in order to create a lake or the help to produce electricity power. Thank you and have a nice day.